हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गौर मलबरी मेंशन को बनते हुए। ये देखिए, यहाँ पे तो ऐसे कई सारे मेंशनस हैं जो बन रहे हैं या कुछ बन गए हैं। ऐसे जैसा कि आपको पता है, नोएडा एक्सटेंशन के प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। इस वजह से अब यहाँ पर जो खाली पड़े प्लॉट थे जहाँ पर मेंशनस नहीं बन रहे थे, तो अब देखिए वो सारे मेंशंस अब यहाँ लगभग देख बन रहे हैं। ये देखिए, अभी ये सामने के मेंशंस के अंदर हम चलेंगे और देखेंगे मेंशंस कैसे बन रहा है, क्या साइजेस है, क्या क्या है। तो ये देखिए, तो लेफ्ट साइड में देखिए ऑलरेडी एक मेंशंस बना हुआ है, उसके और थोड़े दूर में ऑलरेडी बना हुआ जो ऑलमोस्ट लगभग एक ही डिज़ाइन के हैं। तो ये मेंशन फ़िलहाल बन रहा है, तो आइए इसे अंदर चलते हैं और देखते हैं। मेंशंस ज़्यादातर ये बहुत महंगे होते हैं और बहुत बड़े बड़े जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो ही लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगे है। आम आदमी की वजह से तो करोड़ों किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल ये देखिए, एक मेंशन है राइट साइड में, देखिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन गया है, स्ट्रक्चर रेडी है, तो इंटीरियर का काम बचा हुआ है। और मेंशंस में वैसे इंटीरियर का काम सबसे ज़्यादा होता है, जितना खर्चा इसको बाहर से बनाने में लगता है उससे 3 गुना खर्चा इसके इंटीरियर्स में हो जाता है। अंदाजन इसकी कीमत जो है, अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 करोड़ रुपए की कीमत है। जी हाँ, जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़मीन के साथ। और अंदर तो इंटीरियर में तो कोई हिसाब है ही नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आगे अंदर और देखिए सामने। ये देखिए लेबर्स काम कर रहे हैं, ये इसका एंट्री होगा, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग करेंगी या आएँगी, यहाँ पर पार्किंग वे होगा और ड्राइव वे भी कर सकते हैं। राइट साइड लेफ्ट साइड में बड़े बड़े कमरे हैं, कमरे का साइज़ तो क्या ही बताऊं, 20-20 फुट के कमरे हैं अंदर। जो पूरी एक जो लग्जरी राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आती है वो अंदर मिलेगा। सामने एस डिविनो है और एस डेस्टिनायर बन रहा है, एस डेस्टिनायर पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। इधर भी एक है, चलते हैं मंदिर। ये मंदिर आ गया, ये एंट्रेंस जो है सेंटर है, तो ये महल के का जो सेंटर पार्ट है वो है। देखिए ये राउंडेड है, गुंबद नुमा, तो इधर से एंट्रेंस है, इधर कई सारे कमरे होंगे। इसका जैसा टीवी फिल्मों में होता है, जैसे राजा भैया और गोविंदा की पुरानी मूवी में आपने देखा होगा, सेम डिज़ाइन का राजा महाराजाओं वाला लुक दिया गया है। अब जयपुर में जाइए, जयपुर में जो किले होते हैं, सर मैंने पता नहीं किले की शक्ल की ही से नहीं, तो सही नहीं होता ना कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना। तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता, ये पूरा जब इंटीरियर हो जाएगा तो ये बहुत ही आलीशान लगने वाला है। तो इसे बनते हुए देखना वाकई में एक बहुत सरप्राइजिंग है। बना बनाया तो आप मूवी में सीरियल में हर जगह देख लेते हैं, पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन ये भी देखना बहुत अपने में अजीब सी बात है, कभी ऐसा मौका लगता नहीं है। पर आज हम मैं इधर से जा रहा था तो सोचा चलो रुक के वीडियो बना के आप लोग के लिए दिखा दूँ। तो इतनी मेहनत करता हूँ तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। ये देखिए सामने फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर से मेंशन दिख रहा है, सामने वाला मेंशन, 2-3 मेंशन जो दिख रहे हैं वो सामने, वो एस डिविनो है जो कि नोएडा एक्सटेंशन का सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखिए काम चल रहा है, ये सारा जो इंटीरियर हो जाएगा पूरा शीश महल लगेगा, ताजमहल की लुक दिया जा रहा है इसमें। तो ये है इसका इंटीरियर वर्क। तो इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी और भी कई सारे वीडियो मैं नोएडा एक्सटेंशन के ही प्रोजेक्ट के ऊपर लेके आया हूँ और लेके आता रहता हूँ। अभी कल ही एक और नया वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ नोएडा एक्सटेंशन के नया लग्जरी प्रोजेक्ट पे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।